हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पावर प्लांट का टॉपिक गैस टरबाइन। गैस टरबाइन से रिलेटेड जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, गैस टरबाइन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें सिंपली एक गैस टरबाइन का जो गैस टरबाइन ब्रेटन साइकिल पर चलता है तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ब्रेटन साइकिल के आसपास ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन अ गैस टरबाइन साइकिल द टरबाइन आउटपुट इज 600 किलोजूल पर किलोग्राम एंड द कंप्रेसर वर्क इज 400 किलोजूल पर किलोग्राम एंड द हीट सप्लाई इज 1000 किलोजूल पर किलोग्राम। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज। तो यहाँ पे आपको गैस टरबाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। जब भी आपको एफिशिएंसी निकालनी हो तो आपको आउटपुट देखना है और इनपुट देखना है, तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, तो नेट आउटपुट देखना है। वर्क डन क्या है, आउटपुट क्या है आपका, वर्क डन है। तो वर्क डन क्या है, टर्बाइन वर्क कितना कर रहा है, 600 किलोजूल पर किलोग्राम, लेकिन कंप्रेसर कितना है, 400 किलोजूल पर किलोग्राम। तो आपको फ्रेंड्स पता है कि टरबाइन जो है वो वर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन कंप्रेसर जो होता है वो वर्क एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा नेट जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है 600 माइनस 400, तो नेट वर्क आ जाएगा आपके 200 किलोजूल पर किलोग्राम। और हीट सप्लाई कितनी है, 1000 किलोजूल पर किलोग्राम। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, नेट वर्क कितना हो जाएगा, 200 अपॉन हीट सप्लाई कितनी है, 1000। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके आ जाएगी परसेंटेज के अंदर, जो कि आ जाएगी 20%। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेटन साइकिल इज ए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, रैंकन साइकिल, जूल साइकिल या फिर ड्यूल साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल इज ए रिवर्स्ड जूल साइकिल, यानी कि ब्रेटन साइकिल जो है ये जूल साइकिल का रिवर्स्ड साइकिल है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके कंप्रेसर हैं, उसके बाद में कंबशन चेंबर होता है, और इसके अंदर जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। फिर टरबाइन के अंदर आउटपुट होता है यानी एक्सपेंशन होता है, ये वर्क प्रोड्यूस करता है, और फिर होता है आपका हीट रिजेक्शन जो एटमॉस्फेयर में हो जाता है। यदि हम इसका पीवी डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे 1 से 2 क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेसर जो होता है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन करता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 to 3 जो होगा वो हीट एडिशन होगा जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। आपको फ्रेंड्स सबसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ब्रेटन साइकिल के अंदर जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और उसके बाद में टर्बाइन जो है एक्सपेंशन करेगा, वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, और फिर आपका हीट रिजेक्शन हो जाएगा जो कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होगा। तो आप यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस हो गए, दो जो हैं दो प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेशर हो गए, और दो जो हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा, एक कंप्रेशन और एक एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन टू स्टेज एक्सपेंशन गैस टर्बाइन विद परफेक्ट इंटरकूलिंग द इंटरमीडिएट प्रेशर पी हैज़ फॉलोइंग रिलेशनशिप विद मैक्सिमम प्रेशर P1 एंड मिनिमम प्रेशर P2 ऑफ द साइकिल। तो फ्रेंड्स, यदि हम कूलिंग करते हैं, परफेक्ट इंटरकूलिंग का मतलब है कि जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही हम बाद में कर देते हैं कंप्रेशन के बाद में, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग। परफेक्ट इंटरकूलिंग करनी होती है तो यदि हमारा प्रेशर जो है इंटरमीडिएट प्रेशर वो मैक्सिमम और मिनिमम का मल्टीप्लिकेशन का रूट होता है, उसको हम परफेक्ट इंटरकूलिंग बोलते हैं, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर कितना है, P1 है, और मिनिमम कितना है, P2। तो इसका जो रूट होगा वो आपका इंटरमीडिएट प्रेशर हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, परफेक्ट इंटरकूलिंग की। तो ये कंडीशन है परफेक्ट इंटरकूलिंग की, P = √P1P2। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टरबाइन आर टाइपिकली ऑफ विच टाइप, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, रेसिप्रोकेटिंग या फिर एक्सियल। तो कंप्रेसर ऐसा यूज़ करेंगे जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और वर्क जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हो वो सबसे कम हो। वर्क कम एब्जॉर्ब करेगा तो एफिशिएंसी अपने आप ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सियल कंप्रेसर जो होता है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है,
किसके अंदर? गैस टरबाइन के अंदर जो हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो एक्सियल यूज़ करते हैं। कभी कभी हम सेंट्रीफ्यूगल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम एक्सियल यूज़ करते हैं। गैस टरबाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैस टरबाइन किस पे वर्क करता है। तो मैंने आपको अभी बताया था ये ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है, और ब्रेटन साइकिल के अंदर दो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं और दो आइसेंट्रोपिक होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है और मैंने पहले भी बताया था, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएंगे और दो कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कॉन्स्टेंट प्रेशर। ज़्यादातर जो गैस टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, या तो ये आपको प्रोसेस पूछ लेंगे या फिर आपको कुछ प्रेशर अपने प्रेशर के बारे में या फिर टरबाइन कंप्रेसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन वर्क्स ऑन दी, तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया लेकिन सेम ही क्वेश्चन है। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन किस पे वर्क करता है? ब्रेटन साइकिल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इन अ ब्रेटन साइकिल द हीट रिजेक्शन एट, तो अभी हमने बात की थी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन किस पे होता है? कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर इज़ बीइंग यूज्ड इन गैस टरबाइन? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे करेक्ट? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीहीटिंग इन गैस टरबाइन। तो रीहीटिंग इंक्रीज द कंप्रेसर वर्क, डिक्रीज द कंप्रेसर वर्क, इंक्रीज द टर्बाइन वर्क एंड डिक्रीज द टर्बाइन वर्क। तो यहाँ पे आपको रीहीटिंग देखना है। रीहीटिंग हम क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पे एचएस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम रीहीटिंग कर रहे हैं। तो रीहीटिंग करेंगे तो ये आपका एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा, और जो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्क डन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज द टर्बाइन वर्क। और टर्बाइन वर्क जो होता है वो पॉजिटिव वर्क होता है, यानी कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ रीहीटिंग से एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन है ब्रेटन साइकिल विथ इनफाइनाइट इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग स्टेजेस वुड अप्रोक्सीमेट ए, यानी कि हमारा जो ब्रेटन साइकिल है, ब्रेटन साइकिल मैंने आपको भी बताया था, इसके अंदर पीवी डायग्राम हम बनाएंगे तो कॉन्स्टेंट प्रेशर और हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होगा। यदि हम बात करें इसके टीएस डायग्राम की, तो यदि हम परफेक्ट इंटरकूलिंग करेंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कूलिंग एंड रीहीटिंग, तो ये हमारा जो साइकिल है कैसा प्रोड्यूस होगा? ये ऐसा प्रोड्यूस होगा, यानी कि टीएस डायग्राम ऐसा बनेगा, परफेक्ट इंटरकूलिंग ऐसा हो जाएगी। ये जो इनफाइनाइट नंबर में करेंगे, यानी कि ये चीज़ें दोनों बहुत पास पास आ जाएगी और ये साइकिल लगभग ऐसा बन जाएगा, यानी कि टीएस डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो जाएगा और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। ये किस साइकिल में होता है ये आपको पता होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इरिक्सन साइकिल। इरिक्सन साइकिल के अंदर दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं और दो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। तो ये जो ब्रेटन साइकिल है ये इरिक्सन साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरकूलिंग और रीहीटिंग होगी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।